वेल गाइज, यहाँ पर आपको दिखाने जा रहा हूँ व्हाट्सएप का फेक अकाउंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं एप्लीकेशन व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं कंट्री को सिलेक्ट करूँगा और वो कंट्री रखूँगा कनाडा। वर्चुअल नंबर यूज करने जा रहा हूँ, आपको इसी नंबर के बारे में बताऊँगा कि आपको भी कैसे मिलेगा। एक नंबर को मैं यहाँ पर ऑलरेडी ले चुका हूँ और यहाँ पर मैंने कंट्री को सिलेक्ट किया कनाडा। नंबर को हम पेस्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पर अब कॉल मी के ऊपर क्लिक करते ही हमें कॉल के जरिए ओटीपी मिल जाएगा। थोड़ी ही देरों में आपको यहाँ पर कॉल आते हुए दिखाई देगा। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, कॉल आ चुका है और कॉल को रिसीव करते ही हमें यहाँ पर ओटीपी बताया जाएगा और ओटीपी को फिल करते ही हमारा व्हाट्सअप का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस वीडियो में आपको यही दिखाने जा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले व्हाट्सअप एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर कंट्री को सिलेक्ट कर लेना होगा कनाडा, क्योंकि हम कनाडा के नंबर से अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो जो इंडिया ऑप्शन दिखाई दे रहा था, वहाँ पर क्लिक करते ही बहुत सारे कंट्री आपको यहाँ दिखाई देंगे, तो आपको कनाडा कंट्री को सिलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हमें नंबर चाहिए, तो नंबर के लिए हम जो एप्लीकेशन यूज करेंगे टेक्स्ट नाउ, यहाँ पर मैं साइन अप करके नहीं दिखाने जा रहा आपको। मैं यहाँ पर ये बताऊँगा कि ये जो मेरा अकाउंट है टेक्स्ट नाउ का, ऑलरेडी पुराना है, ऑलमोस्ट 4 साल। आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि ये अकाउंट मैंने कब क्रिएट किया हुआ था। सबसे पहले यहाँ पर मैं इस नंबर को कॉपी कर लेता हूँ और आपको भी बताऊंगा कि लॉगिन कैसे करना है, पुराने अकाउंट को कैसे ओपन करना है। नंबर को पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट का ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नंबर तो सही है, तो छेड़खानी करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम सिंपल ओके को हिट करेंगे एक बार। ठीक है, ओके को क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर फैसिलिटी कुछ मिलते हैं कॉल के जरिए ओटीपी लेने के लिए। ठीक है, एक हमें यहाँ पर मैसेज मिलेगा, अभी देख लीजिएगा टेक्स्ट नाउ के ऊपर देख सकते हो कि हमें यहाँ पर टेक्स्ट नाउ में ये मैसेज मिल रहा है कि ये यहाँ पर हमें ओटीपी के जो ओटीपी हमें मिला है वो एसएमएस के जरिए नहीं मिलेगा। देख सकते हो, गेट वेरिफिकेशन कोड विथ लॉक इन नंबर। ओके, तो कोई बात नहीं, चलिए हम यहाँ पर अभी भी ओटीपी ले सकते हैं, एसएमएस के जरिए नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम दूसरा तरीका आजमाइश करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे एंटर करते हैं और नीचे आपको डू नॉट रिसीव कोड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर क्लिक करते ही सबसे नीचे आपको कॉल मी का ऑप्शन दिखाई देगा और आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको 2 मिनट का टाइमर चलते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको वेट करना है। अगर नंबर 100% वैलिड रहा तो 2 मिनट दिखाई देगा, अगर उस नंबर पर बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको 1 घंटे 2 घंटे का वक्त दिखेगा। अब चलिए टेक्स्ट नाउ एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा कि 13/6/2018 इस तारीख को मैंने इसमें लॉगिन किया था और वहीं से मेरा ये अकाउंट अभी तक चल रहा है, यानी कि बहुत ही पुराना ये अकाउंट है, अभी तक मैं यूज कर रहा हूँ। आपके पास भी अगर इस तरह का कोई अकाउंट है जो कि पहले टेक्स्ट नाउ एप्लीकेशन बहुत सही तरह से वर्क करता था, अभी फ़िलहाल कुछ 3-4 महीनों में हमें ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी साइन अप किया हुआ अकाउंट है, अगर आपके पास पासवर्ड सही से याद है, तो आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, बस आपको लॉगिन कर लेना है अपना ईमेल डालने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टाइमर था ख़त्म होने वाला है और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमने नंबर वहाँ पर लिया था इस टेक्स्ट नाउ एप्लीकेशन में कैसे हमें मिलेगा। आप देख सकते हो, जब मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया था तो अपना प्रोफाइल भी यहाँ पर फिल नहीं किया था और उस टाइम हमें 10 क्रेडिट भी मिलता था इंडिया में कॉल करने के लिए, और उस टाइम मैं आपको यही सब बताता था कि आपको किसी भी कंट्री में फ्री में कॉल कैसे किया जाता है। तो अभी मेरा चैनल वो उस टॉपिक पर वीडियो नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी आपको वर्चुअल नंबर के बारे में मैं ज़्यादा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो टाइमर था ख़त्म होने वाला है और कॉल मी का ये जो ऑप्शन है इनेबल हो जाएगा और इसी के जरिए हमें यहाँ पर ओटीपी मिलेगा। किस तरह से मिलेगा अभी आपके सामने मैं दिखा देता हूँ, आपको भी ऐसे ही ट्राई करना है। कॉल मी के ऊपर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है ऑलमोस्ट 5 सेकेंड और आपको टेक्स्ट मी में एक कॉल आते हुए दिखाई देगा, आपको इस कॉल को रिसीव कर लेना है। ठीक है, रिसीव करते ही यहाँ पर आपको ओटीपी सुनाई देगा, तो यहाँ से मैं स्पीकर को ओपन करता हूँ, मे भी आपको सुनाई नहीं देगा बिकॉज यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है। ठीक है, ओटीपी को यहाँ पर मैं फिल करता हूँ, फिल करते ही हमारा जो ये व्हाट्सअप का एप्लीकेशन है वेरीफाई हो चुका है, देख सकते हो वेरीफिकेशन कम्प्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर प्रोफाइल नेम लिखेंगे, तो आपको भी जो भी आपका नाम है आपको यहाँ पर प्रोफाइल नेम आपको फिल कर लेना है। और चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं कॉल को डिसकनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,
तो हमारा ये जो अकाउंट है व्हाट्सअप का क्रिएट हो चुका है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। नाम को डालने के बाद हमारा ये जो नेक्स्ट का ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब मैं आपको चेक कराना चाहूँगा ये वो नंबर कि कौन सा नंबर हमने यूज किया है। बाद में आप लोग कमेंट करोगे कि भाई आपने नंबर शो नहीं कराया, आपने कोई और नंबर यूज किया है। सेटिंग में आएंगे और इसका जो प्रोफाइल है व्हाट्सअप का, यहाँ पर सिंपल एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा 604 ये जो नंबर है, जो कि हमारा कनाडा का नंबर है और मुझे टेक्सांग एप्लीकेशन में फ्री में मिला था। तो अगर आपके पास पुराना अकाउंट है जो कि साइनअप करके बाद आपका वो जो अकाउंट पुराना हो चुका है, तो आप वहाँ पर पासवर्ड डाल करके लॉगिन कीजिए आसानी से। अभी भी आपके पुराने अकाउंट में ज़्यादातर कनाडा का नंबर फ्री में मिल जा रहा है और आप उस नंबर को यूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में।